वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर नहा लिया है, सब कुछ काम हो गया है सुबह का। तो यहाँ पर मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है साथ साथ में। तो चाय बॉईल करने के लिए रखी थी और चिकन बॉईल करने के लिए रखा था, तब तक मैं वेरी गुड रेडी। और यहाँ पर अभी चाय छान लेती हूँ, चाय पी लेते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दीदी ने नहला के दिया अद्विक को। अच्छा लग रहा है अद्विक? नहीं अच्छा लग रहा है, आपके मुंह से ही लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है करके। अद्विक को हेयर स्टाइल की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है ना? अद्विक बोल रहा है ऐसे उल्टा करना उसको हेयर स्टाइल। करने तो उसको कैसे करना है, तो चपटू चपटू। तो गाइज, ये है मेरे पास एल्फ गुडनेस के 4 शैम्पू और ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है एलोवेरा आलमंड ऑयल एंड क्लिमेंजोल, और ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू फॉर ड्राई स्कैल्प। अगर आपका ड्राई स्कैल्प है, आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो ये ड्राई स्कैल्प के लिए है। मतलब आपके बालों में अगर डैंड्रफ है तो ये आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो ये यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। आपको दिखा देती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद मेरे बाल कितने ज़्यादा अच्छे हुए हैं और शाइनी हुए हैं। उसके बाद ये है एल्फ गुडनेस का फेन्यूग्रिक बायोटिन एंड रेडेंसिल, ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। ये अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, फॉर ऑल हेयर टाइप्स, अगर आपका कोई भी हेयर टाइप्स हो, ऑयली हेयर है आपके या ड्राई हेयर है, फ्रीजी हेयर है, कोई भी हेयर टाइप हो, आप ये अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो ये शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, इतने ज़्यादा अच्छे शैम्पू है ये। मैंने एक बार यूज़ किया ये शैम्पू, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं अभी ये शैम्पू कंटिन्यू करने वाली हूँ। मुझे अगर डैंड्रफ हुआ तो, मेरा, मैंने आज ये वाला शैम्पू यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ लग रहा था, मैं ना ज़्यादा शैम्पू नहीं कर रही थी बहुत दिनों के बाद। अगर आपको अच्छे से आपके हेयर रखने हैं, स्कैल्प अच्छा क्लीन रखना है, या आपका हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, तो आपको 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद शैम्पू करना ही चाहिए। और मेरे हो गए थे 7-8 दिन, तो मेरा डैंड्रफ हो गया था, तो डैंड्रफ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, और मेरा ऑयली स्कैल्प है, तो मैंने ये देखो एंटी डैंड्रफ वाला ये वाला शैम्पू यूज़ किया है, टी ट्री ऑयल लेमन एंड क्लिमेंजोल, ये वाला शैम्पू। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आपको मैं दिखा देती हूँ, पास से भी दिखा दूंगी। स्कैल्प में बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं रहा है और इतना क्लीन हो गया है स्कैल्प ना, आपको क्या बताओ। उसके बाद ये वाला शैम्पू है, ये एल्फ गुडनेस का कोकोनट आर्गन ऑयल एंड हेलोरोनिक एसिड। हेलोरोनिक एसिड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। देखो ये वाला जो शैम्पू है, हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग शैम्पू है फॉर ड्राई हेयर्स। तो अगर आपके ड्राई हेयर्स है, फ्रीजी हेयर्स है, तो उसके लिए ये हाइड्रेटिंग शैम्पू है। इससे आपका जो हेयर है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और शाइनी हो जाएंगे। अगर आपका कोई हेयर फॉल का वगैरह प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको फ्रीजी हेयर का प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है, और अगर आपको ऑयली स्कैल्प है और डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। इसका पम्प खुला है तो मैंने यही यूज़ किया है, और आपको रिजल्ट दिखाती हूँ मैं आपको अभी। और आप देख सकते हो, इससे मैंने हेयर वॉश किया है ये वाले शैम्पू से, और इसका रिजल्ट आप देखो, थोड़ा सा ये क्लोज करके देखो आप, यहाँ पर कुछ भी डैंड्रफ नहीं है, स्कैल्प बिल्कुल क्लीन है, और हेयर देखो सॉफ्ट कितने हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। मुझे ये शैम्पू सच में पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें से कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, आपके हेयर के टाइप से, मतलब आपका कोई भी हेयर टाइप हो उसके अकॉर्डिंग आप इस शैम्पू को ले सकते हो। और पर्पल इंडा स्पॉटलाइट सेल चल रहा है, तो आप उस सेल का फ़ायदा उठा सकते हो, और उस सेल में आपको 22 मई से 24 मई तक अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा। तो उस सेल का फ़ायदा उठाइए, और इन शैम्पू का अगर परचेस करना है या इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर परचेस करनी है तो परचेस कर लीजिए, जल्दी से इस सेल का फ़ायदा उठाइए। और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको इन सारे प्रोडक्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर
मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये जो मिश्री है ना इसे पीस रही हूँ, ये बड़ी वाली जो मिश्री आती है इसे पीस रही हूँ। एक्चुअली ये बहुत अच्छी होती है धूप में, मतलब समर में यूज करने के लिए। समर में आप इसे मट्ठे में डाल के पी सकते हो, आप इसे जैसे कि क्या बोलते हैं, तो क्या क्या यूजेस है इसके, बहुत सारे यूजेस है, मतलब ठंडी रहती है, ठंडा करती है आपको, तो इसी वजह से आप किसी भी चीज में डाल के, दूध में डाल के पी सकते हो इसे, तो बहुत अच्छी होती है ये। अभी देखो इसका पाउडर बन गया है, अभी इसे इस कंटेनर में स्टोर करके रख देती हूँ ताकि मैं इसे मट्ठे में यूज कर सकूं, किसी भी चीज में यूज कर सकूं। देखिए इतनी बन गई है, अभी इसे स्टोर करके रख देती हूँ, किसी भी चीज में यूज करने के लिए काम आ जाएगी। अब हम लाए हैं न्याज, इसका मतलब शेक बना के पियेंगे दोपहर में। हमारे पड़ोसी के यहाँ पे काम चल रहा है, वही तो वही अभी देखने आए हैं हम लोग, तो हमारा मतलब जो हम लोगों को काम करना है ना शीट का, वही अभी इनके यहाँ पे चल रहा है, तो वो देखने आए हैं, यहाँ पर देखेंगे पता चलेगा कैसा बन रहा है। तो व्हाइट मॉडे वरुण है बनी वाइट आने का देख तो लिया हम लोगों ने वहाँ पे, अच्छा लगा है ना, अच्छा लगा वहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने उनको कलर डिफरेंट बोला है, वहाँ पे थोड़ा सा ग्रे और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, मतलब अंदर से ग्रे है ऊपर से ब्लू है, तो अपने यहाँ पे मैंने उनको दोनों तरफ से वाइट बोला है। पहले मेरा तो टीन, वो टीन का डालने का मन ही नहीं था, वो फाइबर का ही डालने का मन था, लेकिन उन्होंने जब बोला लाइफ की वजह से, तो लाइफ थोड़ी सी उसकी ज़्यादा है, थोड़ी सी क्या, वो बोल रहे थे लाइफ टाइम देखना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो फाइबर का डालते तो 4-5 साल में बदलना पड़ेगा बोल रहे थे, धूप की वजह से खराब होता, तो इसीलिए अभी वो डिसाइड किया है वो लगवाने का, देखेंगे अभी कब से काम स्टार्ट होता है। तो बहुत काम है यार घर पे, मतलब काम ख़त्म ही नहीं होते घर के, इतने सालों से सोच रहे हैं कि अभी ऊपर का, जब ऊपर का काम चल रहा था ना उस टाइम हम लोगों ने सोचा था कि जब ऊपर का खत्म हो जाएगा तब रिलैक्स हो जाएंगे हम लोग, अभी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है ना, भाई दीदी सांस लेना नहीं आ रहा है मुझे, तो ऐसा सोचा था, लेकिन उसके बाद अभी ये आ गया, इसकी वजह से काम बिगड़ रहा है थोड़ा सा, चलो हो जाएगा। ये यहाँ पर गाड़ी वाड़ी रखने के लिए वो चाहिए ना, जो सैनिटाइजर या इस हाथ को दे दो, तो ना गाड़ी वाड़ी रखने के लिए आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर हम लोग ग्रीन नेट लगवाते हैं, तो यहाँ पर गाड़ी रखने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर शेड बनवा रहे हैं अब, तो वो शेड, और उसके बाद धूप की वजह से ये पौधे वगैरह भी ख़राब होते हैं। देखो यहाँ पर मैं बैक कैमरा से आपको दिखा देती हूँ पौधे कितने ख़राब हुए हैं, यहाँ पर पौधे इस तरह से ख़राब हो चुके हैं मेरे, तो इसीलिए ना अभी ये पूरा कबाड़ा निकालेंगे जब फर्नीचर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर अच्छे से सेट करेंगे, तब आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा मैं इसे मेरे घर पे को दिखा भी नहीं सकती हूँ मैं आपको, मतलब ये जब सेट करूँगी ना तभी आपको पता चलेगा, ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि कितना क्लीन घर है, क्लीन तो है, डेली क्लीन करते हैं, बट मेस जो डिब्बे वगैरह पड़े रहते हैं या ऐसी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये ग्रीन नेट टूट जाती है हमेशा हमेशा हवा की वजह से। और उसके बाद यहाँ पर भी इनकी बात बताती हूँ आपको, एक हम लोग यहाँ पर खर्चा करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर खर्चा करना पड़ रहा है हमें, यहाँ पर इन्होंने ना हमारी प्राइवेसी ही ख़त्म कर दी। देखो ये खिड़की, ये वाली खिड़की, ये वाली खिड़की इस खिड़की के सामने है, और ये वाला जो दरवाज़ा है हमारा, ये वाला दरवाज़ा इस दरवाजे के सामने है, इसी वजह से हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है, तो हम लोग यहाँ पर भी लगवाने वाले हैं थोड़ा सा, तो ये खर्चा हमारा बढ़ गया है। चलो कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते, दूसरों को तो नहीं बोल सकते, इसकी वजह से अपना खर्चा बढ़ गया ना, देखो चलो जाने दो,
चलो अंदर चलते हैं। ये वाले पार्सल आया है मेरे, इसमें क्या है देखते हैं। कब से सुबह से यहाँ पर ही पड़े हैं सैनिटाइज करके। चलो अभी और नहीं खोलती हूँ कुछ देर तक, नहीं रहने देती हूँ ऐसी। मास्क लगाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, मतलब सांस लेना नहीं आता है। अभी बनाने वाली हूँ मैं चिकन, तो चिकन की रेसिपी तो बहुत बार शेयर की है आप लोगों के साथ, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। संडे है आज, चिकन बनाती हूँ। चलिए मास्क धोने के लिए डाल देती हूँ। आपको लग रहा है क्या मेरे फेस पे ऐसे रेडनेस रेडनेस टाइप में? पता नहीं ये मास्क की वजह से हुआ है या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, रेड रेड हुआ है करके फेस। तो गाइज आज बनने वाला है टेस्टी सा चिकन। तो चिकन की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है आप लोगों के साथ, बट फिर भी जो न्यू ज्वाइन हुआ है वो रेसिपी मांगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने उसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद मैंने ऐड किया है प्याज का पेस्ट, जो भून के प्याज का पेस्ट बनाते हैं वो, और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है जो खड़े मसाले होते हैं उसका, और जो क्या बोलते हैं सूखा नारियल का पेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर टोमेटो की प्यूरी बना रही हूँ, और ये जब मसाला अच्छे से भून जाए मतलब थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगे तब आपको उसमें टोमेटो की प्यूरी ऐड करनी है और अच्छे से भून लेना है। जब तक आपका मसाला तेल नहीं छोड़ता तब तक आपको भूनते जाना है, और जब आपका मसाला तेल छोड़ने लगे उसके बाद आपको ये बेसिक से मसाले ऐड कर देने हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद हल्दी, और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब कुछ ऐड कर देना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है ये चिकन मसाला एवरेस्ट का, और इसके बाद भी अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, जो भी पानी ये मिक्सर के बर्तन में से निकला था वो पानी ऐड कर दिया है और थोड़ी देर चला लिया है। उसके बाद मैंने जो चिकन बॉईल करके रखा था वो ऐड किया है, और चिकन बॉईल करने के टाइम ना मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड किया था, और चिकन को बॉईल कर लिया था वो भी कढ़ाई में ही। और बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँगी, और पानी गर्म करके थोड़ा सा ही पानी आपको ऐड करना है इसमें, और बस ढक्कन रख के अच्छे से पका लेना है थोड़ी देर के लिए। बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अच्छे से पका लोगे ना उसके बाद वो जो फ्लेवर है उसमें आ जाएगा, और पानी आपको कंसिस्टेंसी जैसी रखनी है वैसे आपको बाद में आप पानी ऐड कर सकते हो, और थोड़ी देर पका लेना मतलब थोड़ी देर बॉईल होने देना, और उसके बाद आपका जो चिकन है बढ़िया वाला वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गया है, आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। जो नॉनवेज खाते हैं वही, जो वेजिटेरियन है उनको तो उन्होंने तो स्किप ही कर दिया होगा ये जो पार्ट है वो। और यहाँ पर बस हम लोग खाना खा लेंगे, आज संडे है तो संडे का स्पेशल लंच है ये हमारा। और आप देख सकते हो ग्रेवी का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना रेसिपी, आपको अगर पसंद है चिकन खाना या आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। कितना गुड बॉय है, और ये देखो बैड गर्ल, कितने देर के बाद मतलब कितना टाइम हो गया अब नहा रही है ये। हाँ इतने टाइम के बाद खाना खाया सब कुछ हो गया उसके बाद नहाया इसने अभी, इसको भी हेयर वॉश करना था इसी वजह से। और देखो इसके भी हेयर बहुत अच्छे हो गए हैं उसी शैम्पू से। इसको कैसा है पता है क्या, जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो यूज़ करना मतलब वो करना चाहती है, लेकिन उसके लिए मैं वो फेस वॉश अलग रखती हूँ, मतलब जो क्या बोलते हैं केमिकल फ्री वाले या ऐसे प्रोडक्ट मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो उसको ऐसा कि नहीं मुझे वही फेस वॉश यूज़ करना है जो मम्मा यूज़ कर रही है या थोड़े से फैंसी होते हैं तो उसको वही यूज़ करने होते हैं। अभी मैंने उस शैम्पू से हेयर वॉश किया ना, उसने देखा कि नहीं रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो
उसको बोला, उसने बोला कि नहीं मामा मुझे भी यही वाला। और अपने कौन सा, मतलब हर किसी का हेयर टाइप अलग होता है, हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। तो ये नहीं है कि जैसे कि मैंने अपने, मेरा ऑयली स्कैल्प है उसमें डैंड्रफ हो रखा था तो इस वजह से मैंने वो यूज किया। इसको जो हेयर के प्रॉब्लम है वो यूज करना चाहिए ना मैंने उसने। ड्राई स्कैल्प वाला लिया था माँ। ड्राई स्कैल्प वाला लिया क्या? हाँ अच्छा हाँ, माही की स्किन भी ड्राई है और उसके स्कैल्प भी ड्राई है, तो इसी वजह से अभी देखो कितने स्मूथ और सॉफ्ट हो गए हैं माही के भी हेयर, अच्छे लग रहे हैं। और अद्विक के भी, हाँ अद्विक अद्विक के भी, मैं अद्विक देखो फोल्ड करने में हेल्प कर रहा है मेरी। देखो खुद के टी शर्ट को फोल्ड करना सिखा रही हूँ मैं अभी अद्विक को, है ना? मम्मा अभी बस आधे घंटे हो गए एक ही टिश्यू फोल्ड कर रहा हूँ माई कम से कम कर तो रहा है बेचारा। हम मैं छोटी थी तो मैं तो उतना भी नहीं करती थी, तो चलो कम से कम कर तो रहा है। मेरे बच्चे सच में समझदार है, मतलब उनके एज के अकॉर्डिंग सच में समझदार है मेरे बच्चे। मैं बचपन में इतनी ज्यादा क्या, बचपन में मतलब मैंने तो शादी तक भी कुछ काम नहीं किया था, शादी के टाइम तक भी मुझे कुछ भी नहीं आता था, शादी के बाद मैं सब कुछ सीखी हूँ। और अभी मतलब मैं परफेक्ट तो नहीं बोलूंगी बट अभी बहुत कुछ आता है मुझे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आता है करके, बहुत कुछ बना लेती हूँ, बहुत कुछ कर लेती हूँ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो ऐसा होता है मतलब, बट मेरे बच्चे ना अभी से इतने होशियार है, मतलब तारीफ नहीं कर रही हूँ उनकी बट है, मुझे लगता है कि नहीं मतलब अपने उनको। हाँ अपने इतना भी खास नहीं हूँ, क्या 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 बोला आपने? अपने इतना भी खास नहीं हूँ, अरे बाप रे, थोड़ा सा जोर से बोला अद्वि। अपने इतना भी खास नहीं हूँ। ये देखो ये इतना ये है, क्या बोलते हैं हमारी मराठी में, अगाऊ और स्मार्ट है ये थोड़ा सा। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर बड़ा सा बड़ा ब्लॉग सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे क्लिक कर देना ताकि मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और हाँ, सब्सक्राइब के रेड बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसको ऑल पे क्लिक करना मत भूलेगा, उससे क्या होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेंगे, उससे आप सबसे पहले देख पाओगे। तो और हाँ, इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और शैम्पू का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लेना। सेल चल रहा है तो सेल का फायदा उठाइए और परचेस करिए। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।